नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि फल 2022 के बारे में। वीडियो में हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और घंटी के निशान को टच करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए पहले। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में ही आप ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे जब बड़े संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर राहत तलाश करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। धन संबंधी विकार मन में उत्पन्न करेंगे। जनवरी में आत्मावलोकन के लिए खुद का थोड़ा समय देना पड़ सकता है। इस समय ईश्वर का बहुत अधिक ध्यान व गुरु का मार्गदर्शन आपको कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जा सकता है। फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में किसी न किसी कारण से चिंता बनी रहेगी, तनाव का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। यह महीना बहुत व्यस्त जाने वाला, जिसमें आप अपने अपूर्ण वादों की चिंता करेंगे। समय के साथ ताल मिलाकर चलना चाहिए। मार्च माह में बड़े कर्ज और लोन की स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जाए, यह चिंतन रहेगा। परिस्थितियों से बाहर निकलने में अपने आप को अपनों का समर्थन मिलेगा। माह के आखिरी सप्ताह में घटनाओं की तीव्रता से आप आश्चर्यचकित रहेंगे और जीवन के क्षेत्रों में कोई बड़ा बदलाव आने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। मई में ऋणों के पुनर्भुगतान से या किसी अन्य स्रोत से आपको कोई धन लाभ होगा, जिससे आपका थोड़ा बहुत कार्य चल जाएगा। इस महीने आपका स्वाभिमान उच्च कोटि का रहेगा, परंतु कभी कभी क्रोध दूसरों को परेशानी में डाल देगा। जुलाई में बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के कारण न केवल आप धन भी कमाएंगे, आपके काम से आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अगस्त में राजनीति से जुड़े लोगों का भारी समर्थन मिलेगा। आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। यदि किसी प्रतियोगिता में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो इस माह सफल होंगे। सितंबर में आपके उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों की नकारात्मकता के चलते मन मस्तिष्क में दूषित विचार जन्म लेंगे। वर्ष के अंतिम दो माह खर्च अधिक रहेगा, जिसको लेकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय हो सकता है कि आप कुछ तनाव में भी रहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण आप इस दौर से बाहर निकलने में सफल भी होंगे। व्यक्तिगत मामलों में समस्त लाभदायक परिस्थितियों का सामना आप करेंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेने की क्षमता भी आपके अंदर है, इसलिए कर भी सकते हैं। आर्थिक एवं कैरियर की दृष्टि से देखें तो यह वर्ष आजीविका के क्षेत्रों में परिवर्तन की भारी संभावनाएं बनती नजर आ रही है, परंतु किसी बड़े निर्णय से पूर्व कुछ दिन और प्रतीक्षा करना लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को अच्छे परिवर्तन आएंगे और न केवल आपको प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं घर से बाहर रहने पर देना होगा अपनी सेहत पर ध्यान। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष न चाहते हुए भी छोटी मोटी बीमारियों के चलते दवाइयां खानी पड़ेगी। वर्षारंभ में समस्याएं सामान्य रहेंगी, परंतु धीरे धीरे इसका समाधान खोजने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में, तो आप पन्ना धारण करें और दुर्वा गणपति जी को चढ़ाएं। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।